एवरीवन, कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग। मैं भी अच्छी हूँ और आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल कुसुम विद रियल लाइफस्टाइल। और आज है संडे और देखिए सन कितना ऊपर आ गया है, मतलब देखा भी नहीं जा रहा उधर से। अब इस साइड करती तो थोड़ा सा अंधेरा सा हो रहा है, इसलिए मुझे फ्रंट साइड करना पड़ रहा है। और ये देखिए, और सुबह हो गई है लगभग, और मैंने मतलब कपड़े वगैरह सब धुल लिए हैं और डाल भी दिए हैं और जल सूर्य भगवान को जल भी दे दिया है। तो मैंने कहा चलो यहीं से करते हैं वीडियो की शुरुआत और मैं नीचे जाके देखती हूँ क्या हो रहा है। अभी चाय नहीं बनाई है, अब जाके चाय बनाऊँगी। इतनी गर्मी होगी, लग ही नहीं रहा है कि ये मतलब फरवरी चल रही है। ऐसा लग रहा है कि मार्च भी क्रॉस होकर वो जो गर्मी आती ना वो आ गई है, बट अभी नहीं। यहाँ पे इस टाइम पर अगर एक घंटा भी इधर बैठ जाओ तो ना धूप में ऐसा लगेगा कि जल रहे हैं। तो ऊपर दिन में तो ऊपर मतलब ऊपर आओ तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो और आज संडे है, आज गार्डन में भी देखिए बच्चे आ गए हैं खेलने के लिए, अदरवाइज़ नहीं आते हैं क्योंकि आज उनके मतलब घर में पेरेंट्स जो मतलब होते हैं उनकी छुट्टी होती है। आज संडे मोस्ट ऑफ बंद ही रहता है, तो बच्चे को लेके आए हैं। और मेरे बच्चे भी अभी देखा नहीं है, वो देख लेंगे कि गार्डन में कोई है तो तुरंत जिद करते हैं। तो ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम भी नहीं होती क्योंकि घर के एग्जैक्ट सामने है, तो बच्चों को लेके जाते हैं। तो कल भी मतलब तो डेली शाम को जाते हैं, पहले बंद हो जाता था 7 PM पे बंद हो जाता था, लेकिन अब थोड़ा टाइम बढ़ा दिया है उसका, तो 9 बजे तक रहता है। तो हम लोग अपना काम करके फिनिश करके फिर जाते हैं बच्चों को लेके, और साथ में हम भी थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं। और बच्चे क्या है, घर में कितना मतलब कुछ भी खेलें पर जो गार्डन में झूले हैं और थोड़ी बहुत और मतलब एक्टिविटी करते हैं तो उसके लिए अच्छा है। तो और ये देखिए सूरज इतनी तेज़ पड़ रहा है कि आँख भी नहीं खुल रही है। और मैंने अपना लगभग काम फिनिश कर दिया है, कपड़े धुल चुके हैं मोस्ट ऑफ, और सूर्य भगवान को जल भी दे चुकी हूँ। तो अब जा रही हूँ मैं नीचे, नीचे जाके बनाऊँगी चाय, तो चाय पीते हैं। सीनू क्या हो रहा है दिखाओ, क्या कर रहे हो? ये देखो आज मेरा बेटा बैठ के पढ़ाई कर रहा है, बहुत सीरियस पढ़ाई कर रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है कि इसको कुछ चाहिए, बिना साथ के बच्चा कुछ भी नहीं करता है ना सीनू? और एक ये बैठा हुआ है, अभी तक इसकी नींद उड़ी नहीं है, बहुत सीरियस पढ़ाई चल रही है। हेलो एवरीवन, तो आज बनाने जा रही हूँ पिज्जा। पिज्जा के लिए और मतलब जो उसकी टमाटो की जो सब्जी होती है वो बनाने जा रही हूँ पहले। तो ये मैंने प्याज कट करके रखा है थोड़ा बारीक, और साथ में ये मैंने टमाटर लिया है, इसको मैं फ्राई कर लूँगी और उसमें यूज़ करने के लिए ये टमाटो केचप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पिज्ज़ा बनाना। तो सबसे पहले मैं ये प्याज फ्राई कर लूँगी इसमें। और इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तुम्हारी पत्नी दोनों सर बंद तो ये मेरा हो गया है लगभग गोल्डन ब्राउन, और अब मैं इसमें डालूंगी टमाटो। और ये मैंने स्लो गैस पे मतलब फुल नहीं की थी, स्लो ही रखी है। और अभी ये जो टमाटर है वो मैं इसमें डाल दूंगी। और अब इसको पकाऊंगी मैं जब तक ये एकदम से वैसा। तो यहाँ पे ये मैं इसकी चटनी बन गई है और मेरे टमाटर पक गए हैं, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है ये क्या बोलते हैं टमाटो सॉस। टमाटो सॉस डालने के बाद इसको अच्छे से मैं पका लूँगी और लगभग मेरा ये डन है। तो उसके बाद मैंने ये पिज़्ज़ा ब्रेड लिया है जो मैं रेडीमेड लेके आई हूँ अमूल का। तो उसके बाद देखिए मैं इसको अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। आप मतलब बटर से भी कर सकते हो, जिससे जो भी ऑयल आपके पास अवेलेबल हो आप इससे कर लीजिए, क्योंकि ये मैं तवे पे बनाने वाली हूँ, ओवन में नहीं बनाऊँगी। और मतलब तवे में भी बना सकते हैं, कढ़ाई में भी बना सकते हैं। मैंने इसको कढ़ाई में भी एक साइड बनाया था और एक साइड तवे में, क्योंकि ये जल्दी हो जाता है। और कढ़ाई में क्या ओवन की तरह चारों तरफ से उसमें हीट लगती है, तवे में भी लगती है बट कढ़ाई में जो है अच्छे से हो जाता है और टाइम भी कम लगता है। तो इसको मैं अच्छे से मैं सेक लूँगी एक एक करके, और मैं पूरी ब्रेड मतलब सेक कर रख लूँगी।
और ये देखिए, ये मैंने मतलब इस तरीके से, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था, और लास्ट टाइम जब मैंने पिज़्ज़ा बनाया था उसकी शायद वीडियो नहीं है, ये यूट्यूब पर मेरी पहली वीडियो है पिज़्ज़ा की। लास्ट टाइम मैंने बनाया था तो ब्रेड भी खुद से ही घर पर बनाई थी तो, और मतलब पूरा उसमें बहुत अच्छा खासा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस की थी। उसके बाद ये देखिए, मैंने इसमें जो चटनी बनाई थी, मतलब टमाटो की जो सब्ज़ी बनाई थी उसको लगाने के बाद इसमें पिज़्ज़ा सॉस एक आती है वो डाला था। उसके बाद इस पर मैंने केचप अच्छे से लगाया था, और ये है चीज़ पिज़्ज़ा के लिए जो आती है क्यूब्स में, छोटी छोटी बारीक होती है, तो उसको डालने के बाद इसमें अच्छे से मैं चारों तरफ इसको फैला दूंगी ताकि हर जगह हो जाए। तो ये देखिए, और ये जो मैंने वेजिटेबल काट रखी थी ये, और इसमें मैंने पत्ता गोभी भी डाली थी, तो फिलहाल तो मैंने इसमें यही डाला था। इसमें कैप्सिकम है और टमाटर है, उसको अच्छे से मैं इसमें लगा दूँगी। ये देखिए एक एक करके, टमाटर तो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं बट उसमें रखे हैं, क्योंकि इसमें जो चटनी पड़ी है वो भी रेड है। और गाइस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। लास्ट टाइम मैंने मतलब ब्रेड भी घर पे बनाया था वो भी अच्छा बना था, बट ये भी अच्छा ही बना था क्योंकि इसमें कम टाइम में और काम हो जाता है। तो ये देखिए, ये मैंने जो चिली फ्लेक्स होते हैं उनको करके रखा था वो डाल दूँगी। उसके बाद थोड़ा सा मैंने हल्का सॉल्ट भी डाला था क्योंकि ये सब सॉल्ट कम रह जाता है। तो ये देखिए, पिज़्ज़ा मेरा बनकर लगभग रेडी है। चलिए हाँ, अब ये रेडी हो गया है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और चलिए मैं इंजॉय करती हूँ पिज़्ज़ा। बाय बाय एंड टेक केयर।